يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه من تصبح قليلا أو زد عليه وأذكر القرآن تكثيرا إنا أنزلنا القرآن عليك قولا جليلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا هدينا أنقالهم جحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم تكسب الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليك رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? नहीं माँ का है नहीं मेरा। हाँ माँ का है नहीं मेरा। नाम तेरा का है नहीं? क्यों नहीं है नाम तेरा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ ऐसा सलीमा है? नहीं सलीमा नहीं। हाँ सलीमा के दे। सलीमा काबू आया है। क्या कराया है? शकीला। शकीला के दे। शकीला फिर आखो रहा है। कौन तीन के ले आएंगे? तेरा की नाम है? नाम दस। मेरा नाम क्या है? नहीं कितने लोग हो आप? कितने हैं? इनाल जड़े आवे तो उतरा ही नहीं। केड़ा केड़ा?
मैं एक उसके इलाके को क्लिफ्टन से रित रहा है वो गलत मोड़ आ गया वो अंदर अंदर गया कर गया कहीं नहीं नहीं सलीमा बाकी तो सब पता है कि तो सलीमा बोल रहा सलीमा पति तो आया है आप कहाँ प्रोफेसर हैं मैं जरूर मैं ना हमारा स्कूल है बाबू लीलम के नाम से पिंडी भटिया में उधर मैं पढ़ा पिंडी भटिया हाँ जी एफ एस सी तक हम उधर पढ़ाते हैं अच्छा जी जी एफ एस सी तक आप पढ़ाते हैं जी मैं एफ एस सी तक उर्दू पढ़ाता हूँ उर्दू पढ़ाता हूँ खतीब भी हैं आप जी खतीब कहाँ पे वो सात हजार गाँव है उधर खतीब हूँ आज के मैं सिर्फ जुमा पढ़ा रहा हूँ जुमा पढ़ाते हैं माशाल्लाह आलम दीन है आप मैं आपके पीर मुर्शिद हैं मेरे से सीनियर थे मैं आपके जूनियर था कौन लोग भेजते हैं तुम्हें ਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾਲੋ ਵਿਖੇ ਮਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚਨਿਆਊਟ ਰਾਂਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਬੋਇੰਦਾ ਰੋਲਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਇੰਦਾ ਰੋਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਕਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀ ਪੈਣਾ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਜ਼ੂਰ ਬੜਾ ਇਸ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਪੀਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਜ਼ੂਰ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਅੱਦਬ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ चले अब तो इनके सवाल करते हैं जी जी कि ये जन्नत आखिर चाहते क्या और हजूर ये सवाल हजार मरतबा इन लोगों से हुए हैं और ये आते हैं सवाल करते हैं कसम उठाते हैं सर पे कुरान होता है मुसलमान होते हैं मुरीद होते हैं उसके बाद फिर दोबारा आ जाते आज ये कुछ नहीं होगा अब खत्म हो गया जी हर चीज का एक एंड होता है एक अखीर होती है ये आज इनकी भी अखीर हो जाएगी यहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक के जिन्नात जो काफिर थे वो मुसलमान हुए चाहे 100 साल पुराने जिन्नात किसी के अंदर हों वो अल्लाह ताला की फजल से करम नवाजी से यहाँ पर नाक से लकीरें निकालते और जिनको मैं भेज दूं वो वापस नहीं अल्लाह आते ये अल्लाह का फजल है हाज़ा मिन फजल रब्बी इंशाअल्लाह ताला बोलो भाई कौन भेज देने इना दे मामे दे पुत्र ये जरे राज्य भी सामने ने गिलन दसिया ने अच्छा वो भेज देने होना एक आमल है कलंदर शाह हुंदा को वो कलंदर शाह लेंदा ओ कलंदर शाह की लेंदा उना कोलो ओ तुसी बात नेक बंदे से के दसना है उना दी औरता हुंदिया ने या तों दे नाल करनी है जना तो बात तो लेंदा है ते या पैसे दे देन तो बात काला इलम करदा हो जादू दे जरिए जा 70,000 च गल मुक्की ने अजे तक 70 पूरा कह नहीं होया कितना हो गया उना दा ए सानू कोई नहीं पता ए बस ओ दसदा भी 70 अजे कह नहीं होया अजे तक फेरे मारदे रहो बाद जदो 70 पूरा हो गया ए जानन ते हो जान मेरा काम अपना नाम दस दे बस मैं तैनु ना बड़े बावकार अंदाज दे नाल मुज़ाकरात कर रहे हैं तेरे नाल ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੇ 1000 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਲਿਫਟਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਮੈਂ ਕਲਿਫਟ ਕੀ ਕਲਿਫਟਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ क्रिस्टन उसका नाम क्रिस्टन सिटी उसका नाम है और वो उर्दू बोलता है उसका नाम है और वो उर्दू बोलता है अच्छा ये पहले हजूर साथ थे क्लिफ्टन सिटी एक सीमा दो शकीला तीन और कौन था बोलो भाई रजादा चार वो थता के बोलता था तोतला था और उनको पकड़ा मारा सारा कुछ किया लेकिन बातें सारी छोड़ दी अब कितने तेरे तुम कितने लोग हो यहाँ मैं तो कर लिए तो क्लिफ्टन नु बुला और कौन है शकीला
शकीला नु बुला, शकीला मर्द है औरत है? औरत है, औरत है, उन्होंने भी बुला। तीसरा कौन है? बोल भाई। तीसरा सलीमान जी, सलीमान नु भी बुला। चौथा तो आप है, वो काबू कीता है, वो छूट जाएगा, उन्हें छुड़ा लेने, उन्हें छुड़ा लेने। चौथा कौन है? चौथा रजादा है। चौथा रजादा है, वो है जे सलीमा, रजादा, क्लिफ्टन सिरी, क्लिफ्टन सिरी, शकीला, पांच हो गए। तो इस्माइल कौन है जिन्ना कल नाम भोग दिया? ये मैं कोई नहीं हूँ, जेम्बुन का नहीं हूँ, इंजे ही हुआ। भूत ने जा, छेवा भूत ने, पांच जिन्नात ने, छेवा भूत ने। असी चाहने तुसी गल हमेशा हमेशा वास्ते ओ खत्म कर दो। अली नाम है बेटे दा जी, हसनैन अली, हसनैन अली दी हमेशा वास्ते जान छोड़ दो। हसी वच छड़न नु तैयार है से, हां ओ वच खिंच लेंदा। कौन खिंच लेंदा? जिंदे असी हैं, ओ जेड़ा आमेले कलंदरी, कलंदरी आमेले जेड़ा जा, ओ भेजदा है जा, ओ खिंच लेंदा है जा, ते दोनों फिर सारेयां नु मार ही ने दई अज जानो। क्यों जी मारण दी केड़ी लोड़? फिर ना ओ बुलावेगा, ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, तो ना बजेगी बांसरी। ये तो जी कह गल ना, नहीं गुनाह हुंदा है, साडा क्या गुनाह है? नहीं तुहाडा गुनाह है ना, तुहाडा गुनाह है, तुहाडा गुनाह है कि तुसी ओथो छोड़ के एडी लंबी मुसाफत तय करके एक आलमे दीन, एक हाफिज़े कुरान और एक नेक आदमी दे, एक प्रोफेसर दीन दी खिदमत करने वाला, दीनी दुनियावी उलूम दे विच लोगां दी खिदमत करने वाला, मखलूके खुदा नू और मुसलमाना नू फायदा पहुंचान वाला, मुसल्ले रसूल दा वारिस, वारिसे मेहराबो मिंबर, उन्हां नू तुसी अज़ियत दे दे के जलील कीती खड़े जे, ये कोई तकलीफ नहीं? उन्हां दा ये बेटा ये हसनैन अली किथे पढ़दा है जी? इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस्लामिक यूनिवर्सिटी उलूमे शरिया विच पढ़दा है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी उलूमे शरिया विच पढ़दा है, हसनैन अली, हसनो हुसैन दे नामा दी निस्बत दे नाल हसनैन नाम रखे है, अली शेरे खुदा दी निस्बत दे नाल, उन्हां दे नाम दी निस्बत दे नाल अली रखे है नाम। एडा अहम तरीन घराना जिन्हां नूं तुसीं तबाहो बर्बाद कीती खड़े, साडे नाम बच्चां दी जिंदगी तबाह कर दित्ती। हां प्रोफेसर साहब कह रहे ने कि मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है, तो अजे तुसी कहंदे जे साडा गुनाह ही कोई नहीं था, गलन वाले नूं फिर इत्थे चुक ते लियाओ ना, मेरे कोल चुक ते लिया सकदे हो, है पावर नहीं? पावर एदे विचों निकलो, पावर है ते फिर मैनू मार दो, है पावर? ਸੰਜਿਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖੇਨਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਇਹ ਬਸ ਸਲੀਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਵਾਦ ਕਾਬੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੋ ਵਤ ਨਾ ਪੀਰ ਆਮਣ ਦੇ ਵਤ, ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਪੀਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰੇ ਕਾਫਿਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੈ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ, ਮਖਲੂਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਖੜਾ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੋ ਜਾਨ ਦੀ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦਾ ਪੀਰ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਗੁਮਰਾਹ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਔਰ ਸਫਾ ਕਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰੇ ਉਹ ਪੀਰ, ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਦਾ ਪੀਰ ਦੀ ਪੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਂ ਤੋ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੌਖੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਮਿਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦੀ ਕਾਮਿਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਜਣੇ
अपनी जान बचाना चाहते हो तो अज तायब होके तो हमेशा वास्ते पाकिस्तान की हद क्रॉस कर जो सलीमे नु बुलाओ। 30 सैकंड तुहाडे कोल टाइम है, 30 सैकंड मैं तुहानू टाइम दे रहा। उस तो बाद हमेशा वास्ते तुसी तैयब होके जाना है, नाले मेरिया दो तीन गल्लां ने उन्हां दा जवाब भी देना। बुलाओ सलीमे नू। बुलाओ सलीमे नू। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ बे सलीमिया जी। सलीमिया तू मुसलमान है जी? तू मुसलमान होके इन्हां दा साथ देना काफरां दा? काफरां दा कोई साथ दित्ता? इन्हां दा साथ दित्ता मौलवियां दा। हुण तक इन्हां दे वास्ते लड़दा रहा। उच्ची बोल जरा। हुण तक इन्हां दे वास्ते जी लड़दा रहा। साथ किन्हां दा दित्ता इन्हां मौलवियां दा? जी कारी साहब का साथ। कारी साहब दा साथ दिंदा रहा? इनका साथ ही है। इनका साथ ही है जी। अच्छा लिफ्टन बोलता है? नहीं मैं सलीमिया। सही कह रहे हैं जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलमान है जी? मुसलमान। एक क्रिश्चना दे नाल तू की कर रहे हैं? इन्हें काबू कीता। इन्हें तेनू काबू कीता है जी? क्रिश्चना ने जी। इन्हें विचो वड्डा केड़ा है? क्लिफ्टन सिरी। क्लिफ्टन सिरी जी। ये जिन ने जी? जिन ने। ईसाई है? जिन ने। ये इंजती है के मान रहा है? देव तो नहीं था कोई? नहीं नहीं एवं आवाज ही जिमें आवाज होंगी है ना उड़ता उड़ता कोई हिंदी उड़ने वाला जिन जिन उड़ते ने सारे तो जोड़ा दूजा शकीला है औरत है जी? वो औरत है। शकीला की लगती हिंदी क्लिफ्टन की? वो हिंदी बहन लगती है। क्लिफ्टन की बहन है जी। अगला कौन है? और अगला जोड़ा है वो है रजादा है जी। रजादा कौन है? वापस ना चीका तेन तो मैं इतना रख लेना ना। नहीं, मैं मौलवियों नाल गल मैं तेन किसी भी नहीं गलना। मैं तेन ए जगह गल जिथे तू सोचा भी नहीं। कोई सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं, किसी चौकीदार की जरूरत नहीं, निगाह फकीर की जरूरत है, निगाह फकर की जरूरत है, किसी जिन के सिक्योरिटी गार्ड होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला का फजल ते करम ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत होवे ते फकीर की निगाह फकर होवे। अल्लाह खैर करेगा। तू साइड ते हो मेरी जरा क्लिफ्टन सिरी नू कह मेरे नाल गल करे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अनिता बाल हुदा। तू क्रिश्चियन है ते तुसी अजे तक बेईमान जे ते अजे तक तुसी इंजी रहना है? उस बेगैरत अमल दी जान छड़दे क्यों नहीं तुसी? उस बेहया दी जिहड़ा मुसलमानां नूं तकलीफ दे रहा है? वो ऐसा जिंदी कामिल जिहड़ा मुसलमानां दा लिबादा ओढ़ के करदा काला इलम है, जादू करदा है, और जादू तो भी अगे जाके होर पता नहीं की तंत्र मंत्र जंतर करदा है। उस खबीस बद बातन दे नाल तुसी जुड़े हुए जे अटैच जे हाजरी हो रही जरा बैठ जाओ। उस खबीस बद बातन दे तुसी ते मतहत होके ते तुसी मखलूके खुदा नू तकलीफ दे रहे जे। तुहाडे कोल 2 मिनट दा टाइम है, फैसला तुसी करना है। या ते ईमान कबूल करके अपनी दुनिया और आखरत संवार लो, अगर नहीं ते मरने वास्ते तैयार हो जाओ। दसो केड़ी चीज मंजूर है?
और जो तरीके कार आपने किया है ऐसा तरीके कार शायद कहीं होता हो, तो ये आपका फैजान अल्लाह ताला हमेशा जारी सारी रखे। आमीन आमीन। ये कहाँ पढ़ते हैं आप? जी मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ज़ेर तालीम उलूम शरिया में BS अरेबिक कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह। तो इन्हीं की वजह से ये जिन्नात साए की वजह से मैं छोड़ के तकरीबन 15-20 दिन हो गए घर आ गया था। अब जब यहाँ आप तशरीफ़ लाए थे उस वक़्त की कैफियत और अभी इलाज के बाद की कैफियत बताएं। कैफियत ये कि पहले तबीयत जो थी वो ज़रा जिस्म में एक थकावट नहीं थी, वो चंचल चलाकी थी और जिस्म फिट था, लेकिन जब से वो ये कैफियत बदली है पसीना हल्का जिस तरह बुखार होता है और सर को तो काफ़ी तकलीफ़ है और कंधों का खिंचाव काफ़ी और जिसमें ऐसे थकान महसूस। वो हाजिरी की वजह से है इंशाल्लाह, पीर साहब अभी दम फरमाएंगे उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं दम आपके सामने करता हूँ जो इस सारी कैफियत को रिड्यूस नहीं करेगा बल्कि बिल्कुल ख़त्म करेगा। आप कुरान करीम का फैज़ अभी देखें, मैं आपके कान में फूंक लगाऊंगा, जो आपकी कैफियत होगी वो आपकी ज़ुबान पर आ जाएगी। अभी आप अपनी कैफियत को देखें, लेकिन वहां तक जाके देखिए। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का दम और फैज है। अल्लाह ताला का फरमान है, वनुनज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान मोमिनों के लिए शिफा का सरचश्मा है। ये सरचश्मा हदायत भी है और सरचश्मा फैज भी है। इसके अंदर हर तरह का सुकून भी है। अब आप बैठें और देखें अपनी कैफियत क्या है इस वक्त। बिल्कुल फिट है, जिस तरह नॉर्मल हेल्थ होती है इस तरह बिल्कुल ठीक होगी। ये बता रहे थे कि जिन्नात मेरी शक्लें बना के मेरी सूरत में असातजा को भी मिलते रहे और असातजा पूछते थे तुम अभी इधर खड़े थे, अभी मेरे साथ मिलके गए हो, ये कहते थे। मैंने जरूर, एक बच्चा है और उसकी ना लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, तो उसकी एक आंख साया हो गई थी। अच्छा। तो वो बच्चा जिस दिन वालिद साहब पीर तरीक़त राबे शरीयत हज़रत जाफर अली मोहम्मदी सैफी आपके साथ वो टूर करते हैं विहाड़ी का, तो उधर गए थे, तो मैं और मेरी वालदा थे, तो गाँव में एक औरत आई और वो कहती है कि आज हमारे घर एक आए हैं मेहमान, तो वो कह रहे थे आपके जो कारी साहब है ना गांव के, उनका जो छोटा बेटा है वो झगड़ा उसने किया कॉलेज में और बच्चे की आंख ज़ाया कर दी है। तो वो वालिद साहब को जब पता चला तो ये काफ़ी परेशान हुआ, तो वालिद साहब ने उनसे कहा कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। तो जब वो बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ तो कॉलेज में ना वो यही बात हुई, तो वो बच्चा कहता है सर, वो कहें कि मैं कहूँ कि मैंने नहीं मारा इस बच्चे को सर, ना ही मुझे झगड़े का पता है। वो लड़का कहे कि सर यही बच्चा था, इसके हाथ में डंडा था, इसने वो डंडा मेरी आंख में मारा है जिसकी वजह से मेरी आंख ज़ाया हो गई है। और फिर वो ये बात काफ़ी आगे, तो वो वालिद साहब के दोस्त थे तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल अगर बच्चा ये कहता है तो इस तरह नहीं हुआ है। मैंने कहा मुझे इस झगड़े का पता भी नहीं है। आपको झगड़े का पता भी नहीं था? और वो सारे लड़के कहते थे कि ये हमारे साथ लड़ता रहा। अच्छा, इस तरह का वाकया ये एक बार हुआ या और भी दीगर वाकयात रूनुमा हुए इस तरह के? इस तरह के दीगर वाकयात भी रूनुमा हुए। अब अल्लाह का फजल है इंशाल्लाह ताला, जिन्नात आपको एक साल नहीं, छः माह नहीं, बल्कि जिंदगी में इंशाल्लाह ताला आपके करीब नहीं आएंगे। दुआ फकीरा दे रहे हैं अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुरान मजीद का फैजान है और ये निगाह करम हजरत इमाम खुरासानी मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की और नजर अनायत मेरे मुर्शिद गिरामी आफताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम हजरत मुफ्ती पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफी रहमतुल्लाह अलैह उनकी है।
और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप ने बताया कि मेरा उनके साथ हम मकतब भी हूँ, हम सबक भी हूँ। मेरे हजूर सीनियर हैं, सीनियर है, आपके जूनियर हैं, हमारा इलाका भी एक है माशाल्लाह, वो कोर्ट सर्वर के आप रहने वाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और हजरत मियां मोहम्मद अनफी सैफी साहब मुबारक के खलीफा के मुरीद हैं। जी जी, खलीफा के मुरीद हैं। क्या नाम आपका? जाफर हुसैन खरल। हजरत जाफर हुसैन खरल मोहम्मदी सैफी, उनके जमेदार भी हैं, अभी थोड़ी देर पहले रिटायर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हसनैन अली को छोड़ना है या नहीं? छोड़ देते हैं। हैं? छोड़ देते हैं। कैसे? जैसे आप कहते हैं। पक्का पक्का छोड़ दें। इनके अबू बाहर गए, उनको बुलाओ भाई, उनके पांव पकड़ के पांव चूमो भी जी। समझ आ गई जी। और उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगो। बनाओ शक्ल, इस दायरे से बाहर आके शक्ल बनाओ, मुझे मिलो, मेरे सामने आओ, मैं तेरी कुव्वत देखूं, रूहानी कुव्वत क्या है तेरी। ये क्लिफ्टन सिरी जो है, ये कह रहा है कि मैं इसकी शक्ल बना के मुख्तलिफ शक्लों में मैं मुलाकातें भी करता हूँ। इसकी मतलब हसनैन अली की शक्ल में पूरा इंसान बन के तो मैं जाके दूसरों से मुलाकातें भी करता हूँ। कॉलेज में जब जाता है ना वो लड़के, कहने यार तू उत्ते खड़ा से देखते, वो टीचर अगले दिन पीछे देने लड़ पे आओ, कहना यार तू उत्ते लाइब्रेरी च बैठे पीरियड के, इसके सर सुबह तो लेके हूं तक मैं क्लास च उठी ही नहीं। अल्लाह हू अकबर। और कई जगह ते भी कहंदे ने कि असीं इहदी शक्ल बना के ते असीं किसी होर कोल चले जांदे आ, ते ओ फिर अली हसनैन नूं पुछदे ने, हसनैन अली नूं पुछदे ने कि तू सा, ये कहंदे ने जी सानूं मुसलमान कर दिओ, ये झूठ बोलदे ने, पैर पकड़ो उन्हां दे, उन्हां नूं यकीन दिलाओ जी, पै जाओ उन्हां दे पैरां च, तुहाडे कोल वक्त हैगा, मैं तुहानूं 3 मिनट दा टाइम दे रहा, हां उन्हां दे पैर पकड़ लो, पैर पकड़ो उन्हां दे, उन्होंने बाप के पाओ पकड़ लो, तो माफी का कोई रस्ता निकल आवे, पकड़ो पाओ नहीं। बड़ी मरतबा कायम मिले जी, इत गल है ना, इत जो इन्होंने को यकीन चाहिए दसो, यकीन जान छे बस, पकड़ो पाओ, चुमो उन्होंने पाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹਯਾਓ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ ਇੰਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੈ, ਦੂਰਾ ਫੈਜ਼। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਸਨੈਨ ਅਲੀ हजरत खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्हां दा मुरीद है, ते तुसी एड़ी वड़ी शख्सियत नूं हाथ पाया, तुहानूं दसो सजा केड़ी देवां, बोलो, कन पकड़ो, करो तौबा अल्लाह कोलो, मेरा दिल करदा खल खिच के उतार दें तुहाडी, पहले कलमा पढ़ाईए तुहानूं, ये मुनाफका वाला काम नहीं करना, ऐन च रखो पहली और आखिरी माफी है या। ते मैं खुला छड रहा, मैनू कोई किसी किस्म की निशानी की भी जरूरत नहीं, अगर तुसी इंज अख भर के भी इहदे वल्ले वेख्या पिछा नू, किसी दिन भी कुडरावण दी ते खौफ ज़दा करन दी कोशिश कीती, ते मैं तुहाडे कीमा बना देंगा, ज़हन च रखिया जी, अग लगा देंगा मैं, समझ आ गई। जी कलमा शरीफ पढ़ा दो, असि ईमान ले आने, तो साडे इस्लाम दे दामन च गुंजाइश ते है ना जी, बिल्कुल हां जी, हमेशा वास्ते इन्हां दी जान छोड़ देनी, पाकिस्तान दी हद च नहीं रहना, हदूदे पाकिस्तान तो बाहर चले जाओ, जाओ जाके हिंदुआं दे मुल्क च चले जाओ, हां तुसी कहंदे हो असि ईमान कबूल कर लेना, ईमान कबूल करके जाओ ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਲੰਦਰੀ ਸ਼ਲੰਦਰੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਲੰਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਲੰਦਰੀ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਨਿਸਬਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਸ਼ਬਾਸ ਕਲੰਦਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ,
लेकिन वह बदबतन खबीस जेड़ा हजरत कलंदर साहब का नाम दी सहारा लेके लिबादा ओढ़ के हां जी ईमान वाले नाल ज्यादती कर रहे पकड़ो कम अपने गुनाह दी माफी करो माफी अपने गुनाह की माफी मांगते हैं हम अपने गुनाह की माफी मांगते हैं अल्लाह ताला से और इनसे भी माफी मांगते हैं किन से अलामा साहब से माफी मांगते हैं हाँ सात बार माफी मांगो आपके पाओ में से पढ़ के कभी पाओ चूमे नहीं आपके पाओ में से चूमे ऐसे माफी भी मांगी आज फिर कलमा में पढ़ते हैं आज फिर ये इनको ऐसे ही हम निकालने लगे तो हुज़ूर इनसे एक बात और कर लें ये बाद में ये ड्रामा मत करें कि हम निकले हैं तो कलंदरी ने कहा चली मैंने कहा कि कलंदरी शलंदरी से को तल्लक ही नहीं रखना समझ आई है तो मैं इसलिए हम वापस भेज रहे कलंदरी से किसी किस्म का कोई राबता नहीं रखना ये एक माफी मांग रहा है और ये सारे ही हैं ये लीडर है ना इनका तू लीडर है ना हाँ ये सारे तेरे साथ माफी मांग रहे सारे नाल ने शकीला भी रजादा भी ते सलीमा भी विच ही माफी मांग रहे हैं वो उसको को वो भी मांगे माफी साथ वो भी माफी मांग रहे हमने किसी को भी नहीं रखना सरकार दे दरबार ते चला जा मैं कल फिर चेक लवे दा साले वास्ते मैं ओथों तैनु ओथों ही बुला लांगा तुसी दुनिया दे आंदे किसी जमीन दे किनारे ते भी चले जाओ ते मैं इंज इशारे नाल बुला लांगा अगर जर्रा बराबर तकलीफ हसनैन अली नू दित्ती ते तुहाडी कोई माफी नहीं होगी कन्न पकड़ के तुसी भी तौबा कर लो माफी मंग लो उन्हां कोलो मंगो माफी हसनैन अली दब्बू कोलो कलमा शरीफ पढ़ाओ जी तुसी अपनी जुबानी पढ़ाओ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هم الله تبارك وتعالى کو وحده لا شريك مانتے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں ان کے بعد تا قیامت کسی قسم کا بھی کوئی نبی نہیں وہ آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں سید الاولین ہیں اور سید الاخرین ہیں ہم اللہ کے سوا تمام باطل معبودوں کی نفی کرتے ہیں ہاں جی ہم باطل معبودوں کی نفی کرتے ہیں اور مذہب کرسچن سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی اللہ کے دربار میں اور حسنین علی کے والد صاحب سے بھی معافی کے درخواست گزار ہیں آئندہ کبھی بھی حسنین علی اور ان کے بھائی
محمد طیب اور ان کی ہمشیرہ محمونہ احمد اور حسنین علی کی والدہ صاحبہ اور والد صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے گھر بار کی طرف کبھی بھی میلی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے. ہم نے یہ وعدہ کر لیا ہے اور اگر کبھی زندگی میں ہم اپنے وعدے کی برخلافی کریں تو ہمیں جان سے ہمیشہ کے لیے مار دیا جائے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا نا جی. ہاں اب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہوئے اس کے وجود سے نکل جاؤ. یہ تم نے ایمان قبول کیا اس لیے معافی ملی ہے اور یہ آخری معافی ہے. یہاں جو گھوم گھما کے پورے پاکستان سے اور پورے ورلڈ سے جو لوگ جنات کے ستائے ہوئے اور پریشان حال لوگ ادھر آتے ہیں نا, ان کی یہ آخری حاضری ہوتی ہے یہاں پر. سمجھ آ گئی؟ یہاں الحمدللہ اللہ کے ولیوں کا خاص فیضان ہے اور حضرت امام خراسانی حضرت اخندزادہ خواجہ سیف الرحمان مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت ہے اور میرے مفتی اعظم پاکستان سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ چشمہ جاری کیا ہوا ہے. یہاں پر اب ٹھکانا نہیں کرنا, رکنا نہیں. اب معافی مانگو, توبہ کرو, ساروں سے معافی مانگو اور سلام کرتے ہوئے کہو کہ مجھے اجازت دیں, میں جا رہا ہوں, ہم جا رہے ہیں. ہاں گھوم کے نا سب سے سلام دعا کرو. ہم سارے معافی مانگتے ہیں اور سب ہم جا رہے ہیں. جا رہے ہیں, اس کے وجود سے نکل جاؤ. یہ دائرہ تک کاٹ دو ان کا, نکل جاؤ ان کے وجود سے. ہاتھ کھڑا کر کے سلام کرو اور جاؤ. چھوڑ دیں آپ, چھوڑ دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب, آپ کا تعارف سب سے پہلے ہم جانیں گے. اگر والا میرا نام قاری احمد علی ہے, پنڈی بھٹیاں سے بیلانگ کرتا ہوں اور سلسلہ سیفیہ میں مرید ہوں. تو یہ بچے کی پریشانی تھی کافی دیر سے, تو حضرت نے کرم فرمایا, تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بڑی دور دور دوستوں کے پاس گئے ہیں, علماء کے پاس گئے ہیں, عاملین کے پاس گئے ہیں, لیکن آج میں پر امید ہوں کہ جو طریقہ کار حضرت نے فرمایا ہے اس کا انشاءاللہ تادیر فائدہ اور انشاءاللہ مہربانی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جی آپ کا نام؟ میرا نام حسنین علی ہے اور میں سلسلہ رضویہ سے بیت ہوں, حضرت علامہ خادم حسین رضوی آپ کا مرید ہوں رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو یہ بس کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کا کیسے پتہ چلا اور یہاں کیسے تشریف لائے؟ ہم نے نیٹ پہ ہی دیکھا تھا, یہ کل رات کو دیکھا. کل رات کو میں نے, بچہ بڑا پریشان تھا تو میں نے بڑا سرچ کیا کہ کوئی نیٹ پہ ایسا بندہ مل جائے. غیر مقلدین کے پاس کافی سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ کالا علم ہے, کالے سے جائے گا, لیکن حضور میں نے نا, جیسے میرے بچوں نے اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا آپس میں کہ مرنا قبول ہے, لیکن کبھی بھی ایک بندے کبھی بھی میرے بچے مر تو سکتے ہیں لیکن کسی کالے والے کے پاس نہیں جائیں گے انشاءاللہ. بے شک زندہ باد.